खबर शामिल करते हैं जैको आबाद से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक सिंध भर की तरह जैको आबाद में भी जमीत इस्लाम की अपील पर इतजाजी मुजाह किया गया इस मौका पर मुख्त रैलियाँ भी निकाली गई इस मौका पर ने। सुबह नेकूमत और वफाकीकूमत के खिलाफ बदमनी पानी चोरी और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की मकरन ने मतलब किया कि फौरी तौर पर इस मौका पर मकर ने खताब करते वफाकीकूमत और सूबाई हुकूमत पर शरी तनकीद की खबर तो शामिल करते हैं खुदा से हमारे रिपोर्टर के मुताबिक तंदूर एसोसिएशन की तंजीम ने अपने बयान में तर्दीद किया है कि तंदूर एसोसिएशन के हवाले से तंदूर मालकान का किसी भी तरह का कोई इजलास या मीटिंग हुई है इनका कहना था कि इस टाइप की कोई भी मीटिंग नहीं हुई उनका कहना इसका मकसद था हमारे मखालफिन का हमारे दौरान नफरतें पैदा करना है जिसको हम नाकाम बना देंगे खबर शामिल करने से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ख़ान जरदारी के रिहाशी नजीर अमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए अंजाम लगाया कि मेरा गाँव में मेरा प्लाट गुजार आठ साल से मौजूद है जिस पर बासर वडेरों की जानब से कब्जा किया गया जिसकी शिकायत पुलिस और सियासी लोगों को की गई है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मेरा प्लाटी मेरा मुझे धमकियाँ दी जा रही उन्होंने अला काम से इंसाफ की अपील की है करते हैं शदारपुर से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक टंडो आदम थाने के हदूद में कायम गाँव मियाँ दाद बरोही के रियासू ने बासर वडेरे के खिलाफ इतजाजी इन्होंने कियाकूत के अला काम से इंसाफ फ्राह्म करने की अपील की है तफसील के मुताबिक टंडो आदम के नवाही गाँव के अफराद ने इतजाज करते हुए सूबाई इंतजामिया से मताल किया कि इलाके के बासर अफराद इनकी ज़मीन पर काबिल होना चाहते हैं मोहम्मद खान बरोहीदर बुरोई व दीगर ने अला काम से मतालबा किया कि बासर अफराद से इनकी जानों को शद खतरा इन्हें फौरी तौर पर तहफुज फ्राहम किया जाए खबर शामिल करते हैं से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक अदालती हुक्म पर ट्डोलाजार पुलिस ने मकामी आबादगार की जरिए जमीन पर छापा मारकर बत्तीस हारियों को बाजाब कराकर अदालत में पेश कर दिया अदालत ने हारियों का मौका सुनने के बाद इनको अपने मर्जिश की जिंदगी गुजारने का हुक्म दे दिया खबर शामिल करते हैं शाह से हमारे रिपोर्टर के मुताबिक ठारू शाह पाँच नंबर महल्ले के रिशी रक्षा ड्राइवर ने गले में फना डालकर खुदकशी कर ली जिसकी लाश को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतल किया गया पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सों के हवाले कर दी खबर शामिल करते हैं ठारूशाह से हमारे नुमाने के मुताबिक मठानी लिंक रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और त्रक्षे के मतसादे में बारह साल बच्ची शरीर जख्मी होगी जिसको तश्ीशनाक हालत में हॉस्पिटल में मुंकल किया गया बाद में उसे हैदराबाद रेफर कर दिया गया पुलिस मजीदी तश्ीश तो कर रही है खबर शामिल करते हैं थारू शाह से हमारे रिपोर्टर के मुताबिक थारू शाह के करीब मेरापुर में सूबा वजी तलीम सईद गनी और मकामी एम पी की जानब से मकामी स्कूल का इफ्तः किया इस मौके पर इस मौके पर सुबा वजीर का कहना था मैं आमिर राहों के तमाम तलीमी अदारों को जो कि तलीम के शोबे में काम कर रहे हैं वो हकूमत की मदद कर रहे हैं हमारे महकमों की खराबी की वजह से हम काम सही नहीं कर पा रहे इनका कहना था जब मुझे वजारत मिली तो कोरोना की जिसकी वजह से तसली बश काम नहीं कर पाए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे अफराद की हिम्मत अफजाई करूँ जो मेरे हाथ बटा रहे हैं हकूमत हाथ बटाने वालों की हौसला अफजाई करेगी इसका तो कहना था कि मैं बालात लोगों को हर मुल्क में मदद करूंगा निजी अदारे के लिए काम बड़ा काम है